सवाल लेकर जो बात मनोज सर ने उठाई है, कल मैंने, आज मैंने हरीश रावत जी को वो टैग किया सवाल, आज अब मैं धामी जी को वो टैग करूंगा सवाल। क्या सवाल नोट करिएगा, आगे कोई क्या पता और पत्रकार पूछ ले। आज तक तो बहुत आप लोगों से सवाल पूछना भी एक हिम्मत का काम है ना, अब मेरी तो पुरानी आदत है। सवाल मेरा ये, आप लोगों ने इन्वेस्टर मीट किया था, क्या किया था? इन्वेस्टर मीट, करोड़ों रुपए के एमओयू साइन हुए थे, एमओयू साइन इन उद्योगपति ने ये एमओयू साइन किया, उन्होंने सबके साथ फोटो है, सबके साथ फोटो है बकायदा ऑन रिकॉर्ड, और सबको हजार हजार दो दो तीन तीन चार चार हजार रुपए की खाने की थाली भी खिलाई होगी, और जाते जाते मुफ्त का रसगुल्ला तो खिलाया होगा, और हाथ में कुछ और गिफ्ट भी दिया होगा आपने कि आप पधारे हमारे राज्य में रोजगार लगा दो। वो जो करोड़ों रुपए का इन्वेस्टर मीट हुआ जिसमें उत्तराखंड के करोड़ों रुपए खर्च हुए, मेरा सवाल माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से यह है कि आपने जो एमओयू साइन किए या पिछली सरकार ने जो एमओयू साइन किए वो धरातल पर कितने उतरे, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, कितने उद्योगपतियों ने उद्योग लगाए। सीमा डोरा जी, सवाल मेरा गलत तो नहीं है? धामी जी से मेरा यही सवाल है, उसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगी मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी आप बोलिए क्या कहना चाहेंगी, सवाल गलत ना हो तो। नहीं सर, बिल्कुल गलत नहीं है सवाल, लेकिन इसमें ये चीज जरूर रहती है कि एडवर्टाइजमेंट कहीं करना कहीं करनी पड़ती है, तो अपने प्रदेश को दिखाने के लिए लोगों को बुलाया गया कि देखिए हमारा खूबसूरत कितना है उत्तराखंड, किसी कश्मीर से कम नहीं। आपने देखा होगा कि कश्मीर शूटिंग हमारे उत्तराखंड में। आप तो हरीश रावत जी जैसी बात करें, हम चार धाम के प्रचार के लिए लोगों को बुला रहे हैं, अब बताइए चार धाम लोगों को ये बताएंगे उत्तराखंड में चार धाम है? लोगों को ये नहीं मालूम कि चार धाम है उत्तराखंड में? आप उद्योगपतियों को ये बता रहे हैं देखिए, बिल्कुल पता है चार धाम है, लेकिन कितने आए होंगे इसको देखने के लिए ये नहीं पता होगा। जो एमओयू साइन हुए उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट हुआ इतना बता दीजिए, धामी जी से पूछकर बता दीजिएगा, ये भी बोल दीजिएगा कि तिलक चावला पूछ रहा है। नहीं बिल्कुल, वो आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप टैग भी करिए हम भी पूछ लेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब आपको अपने अपनी बात रखानी होती है तो लोगों को मिलना भी पड़ता है, लोगों को दिखाना भी पड़ता है, लोगों को अपनी चीज दिखाएंगे नहीं कि हमारे पास कितना खूबसूरत उत्तराखंड है, तब तक कैसे काम करेंगे? नो नो मैडम, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मैं कह रहा हूँ 10 को नहीं 50 को उद्योगपतियों को बुलाओ, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कितनों ने इन्वेस्ट किया, एमओयू साइन हुए, उसमें से कितने धरातल पर उतरे, कितनों को रोजगार मिला, मेरा इतना सा सवाल है बस, पूछ लीजिएगा धामी जी से। माननीय पुष्कर सिंह, वो लिस्ट जो आपको चाहिए दैट ओनली दी धामी जी कैन प्रोवाइड, सरकार प्रोवाइड कर सकती है आपको लिस्ट खाली, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि कुछ भी जो हम करते हैं उसके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक सॉलिड सॉलिड रीजन होता है, और वो मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके बाद कितना फिल्म के लोगों ने यहाँ पर शूटिंग भी करी, कितनी शूटिंग होने लगी जो पहले हमारे उत्तराखंड में, मुस्कुरा रहे हैं, प्राउड फील नहीं होता? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ होना भी चाहिए, कहीं ऐसा ना वो जिम में ट्रेडमिल पर भागते हैं ना, ट्रेडमिल पर भागते हैं वो भागते ही रह जाते हैं, हमें यही नहीं मालूम होता कि हम कहाँ क्या अचीव कर रहे हैं, बस ट्रेडमिल पर भागना है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो, वो हालत ना हो धामी जी की, मैं ये चाह रहा हूँ गोल अचीव करें, मैं भी ये चाह रहा हूँ मेरे उत्तराखंड, मेरा समझदार और सुलझे हुए हैं वो, नहीं नहीं अच्छी बात है मैडम, सुलझे हुए तभी तो आपने मुख्यमंत्री बनाया, जोशी जी की अपेक्षा है, मनोज सर की भी अपेक्षा है, और मेरी भी है, और उत्तराखंडियों की अपेक्षा है, अपेक्षा हर किसी को है, तभी मैं कह रहा हूं, तभी सवाल पूछ रहा हूं, ये वाला सवाल पूछ लीजिएगा एमओयू वाला, वो रोजगार वाला तो मिला नहीं मुझे, और तब तक नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है मैं चुप बैठ जाऊंगा, मैं रोज पूछूंगा, जो प्रवक्ता बैठेंगे उनसे रोज पूछूंगा, मैं जानता हूं बहुत कम पूछते हैं, लेकिन मैं पूछूंगा, लिख लीजिएगा, अगली बार लिस्ट लेकर सब बैठिएगा, बोल दीजिएगा अपने साथियों को भी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये अहम विषय है जो चुनौतियों का पहाड़ धामी के सामने खड़ा है।